तो अभी मैं हूँ CST में भाई, पीछे का बैकग्राउंड देखो तो मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगा। ला मैं दिखाता हूँ, तो मैं आपको हर एक चीज दिखाने वाला हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है, इसमें हर एक दिन में कलर चेंज होते रहता है। और ये मेरे पीछे देखो, काफी पुराना ही है, मैं कहता हूँ 150-200 साल पुराना होगा, मुझे कंफर्म डिटेल तो नहीं पता है, बट 150-200 साल पुराना है। और यहाँ चारों तरफ गाड़ियां चलते रहती है, और ये बीच में एक व्यू पॉइंट बनाया गया है कि यहाँ से आप अपनी सारी फोटोज वगैरह क्लिक कर लो, वीडियो शूट कर लो। तो बेस्ट जगह ये, बेस्ट व्यू पॉइंट है पूरे जो मुंबई है, उस पूरे मुंबई का सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, हाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, फोटोज निकालते हैं, फिर बहुत सारे लोग उस जगह पे बैठते हैं। मैं आपको जगह दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हो आप, तो वही है भाई, बहुत सारे लोग उस जगह पे खड़े होते हैं और बहुत सारे लोग इस पे बैठ के फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, वीडियो शूट करते हैं। और ऐसे दो बने हुए, एक उस साइड है, ये आप देख सकते हो, एक ये यहाँ पे बना हुआ है और एक ये यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे भाई फोटोज बहुत अच्छे आते हैं, काफी सुंदर जगह है। और जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ वीडियो शूट कर ही लेता हूँ, और आज भी शूट कर लिया हूँ। अभी हम लोग गेट ऑफ इंडिया गए थे, गेट ऑफ इंडिया में चाय पिया, बेल खाया, और यहाँ पे आ गया, गणपति देख के आए, विसर्जन वगैरह काफी हो रहा था, चरनी रोड में काफी क्राउड है, तो यहाँ से अभी हम निकलेंगे। तो भाई काफी सुंदर व्यू है भाई, खुली खुली हवा देख लो, और ये पीछे देखो कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है। हर एक समय में यहाँ पे जो यहाँ का व्यू है वो चेंज होता है, यहाँ के जो कलर्स है वो चेंज होते हैं। चर्च गेट में भी काफी अच्छा था, वहाँ की वीडियो मैंने शूट नहीं की, बट हर एक टाइम पे यहाँ पे कलर्स चेंज होते हैं। और 15 अगस्त को तो भाई तिरंगा बना हुआ होता है पूरा, तो वही है भाई, यहाँ पे बैठ सकते हो, मस्त फोटोज क्लिक कर सकते हो, हर एक एंगल से ले सकते हो। एक ये एंगल से लेके बताना, वो वाला, अगर आप इस एंगल से वीडियो शूट करते हो, वीडियो या फोटो, तो इसका व्यू आएगा, और इस एंगल से शूट करते हो तो ये इधर का व्यू आएगा। तो आप यहाँ पे सारे व्यूज ले सकते हो, ऐसा ये व्यू पॉइंट बना हुआ है। और एक यहाँ पे भी है शिवाजी पार्क में, बट वहाँ पे ऐसा गेट ऑफ इंडिया नहीं, वहाँ पे आपको समुंदर के व्यू वगैरह बहुत दिख जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वहाँ पे बनाऊंगा, तो वो भी आप जरूर देखना। और तब तक आगे इस वीडियो को और भी लेके जाएंगे। तो अभी हम जाएंगे अपनी बाइक की तरफ, यहाँ से हमें जाना है आगे। ये पीछे देख सकते हो आप कितना प्यारा बना हुआ है भाई। तो ये हमारी बाइक आ चुकी है, अपनी बाइक स्टार्ट करेंगे और यहाँ से निकलेंगे भाई। हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइन वगैरह लग गया तो बहुत लोचा हो जाएगा। तो यहाँ से निकलते हैं, अभी हम अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं। बाय, पहला गेटवे में गए, फिर CST में, फिर अभी जा रहे मरीन ड्राइव। ये मरीन ड्राइव का ब्रिज है आगे भाई, आगे आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, काफी सुंदर व्यू है। गाड़ियां बहुत चलती भाई, हॉर्न विरन भी बजती है, मेरा दोस्त वीडियो शूट कर रहा है, तो आगे से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। व्यू पॉइंट भाई, वहां से जो नजारा आएगा ना, समुन्दर का नजारा नेक्स्ट लेवल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप वीडियो में बने रहो। ये ब्रिज देखो, बहुत प्यारा ब्रिज है ये ना, 40-50 साल पुराना ब्रिज है मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है ऐसा। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो ब्रिज और समुंदर, वहां पे काफी अच्छी हवाएं चलती है, ये रोड भी ज्यादा क्राउड नहीं होता यहाँ पे, तो ये यहाँ से गाड़ियां बहुत कम चलती है वैसे देखा जाए तो। और ये जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जहां से जो जैसे कि सीलिंग है, जमीन के नीचे से गाड़ियां निकलती है, तो आप देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो आप देख रहे हो, जो मैं जूम मार के दिखाता हूँ, यहाँ से ना गाड़ियां निकलती है, मतलब बांद्रा से आप सीधा यहाँ निकल सकते हो। ये देखो गाड़ियां निकल रही है, सब यहाँ से गाड़ियां निकलती है, और यहाँ से इंटर एंट्री होती है, इस साइड से एंट्री है और उस साइड से एग्जिट है। तो वही है भाई कि काफी यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आती है, और आप बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे कि यहाँ पे अक्सर लोग शूट करते हैं। ये जो जगह है, ये पॉइंट आप देख सकते हो, यहाँ पे अक्सर लोग शूट करते हैं वीडियो वगैरह, बहुत सारे डांसर लोग भी यहाँ पे शूट करते हैं, ये जगह है वो, तो यही है। और ये मैदान देखो, ट्रेन चल रही है वहां पे, ये ट्रेन चल रही है, मैं जूम मार के दिखा रहा हूँ आपको, ट्रेन चल रही है, यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। ये ब्रिज देखो, घर कितना अच्छा भाई,
इतना अच्छा वाइब आता है ना यहाँ पे, ये मेरा दोस्त है, साला शर्मा रहा है ये, तो भाई इतना अच्छा वाइब आता है ना कि क्या ही बोलूं मैं। तो चलो यार इस वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा, आगे और भी बहुत सारे काम है, कुछ थोड़े जगह पे मैं गणपति का विसर्जन का सब दिखा दूंगा आपको, ठीक है, चलो बाय बाय। तो भाई देख सकते हो आप कि ये मेरे सामने सब लोग गणपति को विसर्जन करने आए, क्योंकि किसी का 3 दिन का, किसी का 5 दिन का होता है, वो हिसाब से यहाँ पे लोग विसर्जन करने को आते हैं। ये आप देख सकते हो कितना क्राउड है यहाँ पे, पुलिस विलिस भी बहुत रहती है, देख सकते हो भाई। ये गणपति पप्पा मोरिया, ये गणपति जी जा रहे हैं, तो लोग पूरे मुंबई की जो गणपति है वो इस जगह पे आती है विसर्जन होने को। और मुंबई का लाल बाग चा राजा पूरी दुनिया में सबसे मशहूर, वो भी इसी जगह पे आता है विसर्जन होने को। तो वही है भाई, ये जगह बहुत खास है हर एक इंसान के लिए, यहाँ पे क्राउड भी बहुत होता है, नॉन हॉलीडे में भी बहुत क्राउड होता है। देखो अभी आदमी क्रॉस मार रहा था बट हवलदार ने रोक दिया, अलाउड नहीं है भाई ऐसा, देखो कैसा गाड़ी भगा रहा है वो। ये देखो यहाँ पे बाथरूम वगैरह सब बनाया हुआ है, बाथरूम टॉयलेट, किसी को बाथरूम लग गया टॉयलेट लग गया, टेम्पू के लिए जगह बनाया, टेम्पू में सब अपनी अपनी गणपतियां लेके आते हैं। तो वही है भाई मुंबई की शान, मुंबई की जान चरनी रोड है ये। देखो यहाँ से लोग निकल रहे हैं, अब भाई हमारा सिग्नल भी मिल गया है बट हमें निकलना पड़ेगा, लोग निकल रहे हैं यहाँ से, बट आज उतनी ट्रैफिक नहीं है जितना हमने सोचा था, ट्रैफिक कम है काफी। तो भाई अभी मैं फाइनली आ गया हूँ अपने घर की तरफ, और यहाँ से मैं लूंगा आइसक्रीम, तो अभी हम लेंगे आइसक्रीम कौन, मेरा फेवरेट, तो ये मैंने कौन ले लिया है, अभी मैं इसको जाऊंगा घर पे लेके और खाऊंगा, थोड़ी सी वीडियो एडिट करूंगा, उसके बाद सो जाऊंगा।